हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुमा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है मटन अफगानी। मटन अफगानी की जो ग्रेवी होती है उसका कोई जवाब ही नहीं होता, तो आइए बनाते हैं हम मटन अफगानी। तो मटन अफगानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 750 ग्राम मटन चॉप्स लिए हैं। ये थोड़े बड़े साइज के लिए हैं क्योंकि पहले हम इन्हें बॉइल करेंगे फिर फ्राई करेंगे। अगर हम थोड़ी छोटी लेते तो ये टूट जाती। उसके बाद हमने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, आधा लेमन जूस चाहिए हमें और 1.5 टीस्पून हमने नमक लिया है। तो सबसे पहले हम अपनी चॉप्स को मैरिनेट करेंगे। तो डालेंगे हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, और आधा लेमन का जूस। इन सब चीजों को मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए ये चॉप्स रख देंगे, फिर उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। मटन में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और लेमन डाल दिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तो हमारा मटन जो है अच्छे से मैरिनेट हो गया है, इसको आधा घंटा हो गया है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है हमारे पास 250 ग्राम दही, इतनी ही हमारे पास अमूल की फ्रेश क्रीम है, ये हमारे पास 5 हरी मिर्चें हैं और 2 टेबलस्पून काजू है। इन दोनों को हम बारीक पीस लेंगे। 1.5 टीस्पून हमारे पास कसूरी मेथी है, इसे हमने ड्राई रोस्ट करके बारीक क्रश कर लिया है। ये हमारे पास 1.5 टीस्पून ही चाट मसाला है, 3/4 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है और 1.5 टीस्पून हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च है, और ये एक मीडियम साइज की प्याज है, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले चिकन को गलने के लिए एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हम मटन डालेंगे। इसमें ये प्याज डालेंगे और आधा ग्लास पानी डालेंगे। सिर्फ आधा ग्लास ही पानी डालना है क्योंकि मटन भी काफी पानी छोड़ता है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम प्रेशर कुकर की लेड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम पहले एक सीटी लेंगे, फिर इसको हल्की आंच पर 10 मिनट गलने देंगे। मटन को हमें सिर्फ 70 से 80% गलाना है, बाकी का हम इसको फ्राई करने में गलाएंगे। मटन हमारा 70% गल चुका है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारे मटन का सारा पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। मटन हमने एक बाउल में निकाल लिया है, अब हम इसे 5 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मटन थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। गरम मसाला पाउडर, रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला, और ये हमने जब हरी मिर्च और काजू का पेस्ट बनाया था उसके बाद हमने इसी में अपनी दही डाल के कुछ सेकंड के लिए मिक्सी में चला ली थी ताकि इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये इसमें हम डालेंगे। अपनी फ्रेश क्रीम डालेंगे, थोड़ी सी हम क्रीम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए मटन में सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अगर आप चाहें तो स्टेज पर इसमें एक चारकोल लेके उसको अच्छे से गर्म करके और आप अपने मटन को उससे धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है मैं इसको नहीं दे रही हूं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल गर्म होने रख दिया है।
अब हम इसके अंदर एक एक करके अपने मटन के पीसेस रखेंगे। फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, स्लो फ्लेम नहीं रखनी है। ये हमने मटन के पीसेस को पैन में अच्छे से फैला दिया है। हमको एक के ऊपर एक मटन के पीसेस नहीं रखने हैं, फैला के रखने हैं ताकि उनपे अच्छा से गोल्डन कलर आ जाए। देखिए मटन में कलर आना शुरू हो गया है, तो जिन पीसेस पे कलर आ जाएगा हम उनकी साइड चेंज कर देंगे। मटन के पीसेस पर अच्छे से कलर आ गया है, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम मटन के सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारा सारा मटन फ्राई हो गया है और इसकी ये मैरिनेशन बची है, अब हम इसे आगे पकाते हैं। एक पैन के अंदर हमने ये वही ऑयल ले लिया है जिसमें हमने मटन फ्राई किया था, अब हम इसके अंदर अपनी मैरिनेशन डालेंगे बचा हुआ। हम अपने मैरिनेशन को 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर इसमें मटन डाल देंगे। ग्रेवी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें मटन के पीसेस डाल देंगे। मटन को हमने ग्रेवी में डाल दिया है, अब हम इसे 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट से ज्यादा नहीं पकाएंगे वरना क्रीम सारा ऑयल छोड़ देगी। मटन को ग्रेवी में पकते हुए 2 मिनट हो गए थे, हमने गैस बंद कर दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, इसको मिक्स करेंगे। अब हम अपनी बची हुई फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो देखिए तैयार है हमारा मटन अफगानी, अब हम इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो तैयार है हमारी मटन अफगानी विद ग्रेवी। ये बहुत ही डिलीशियस बनी है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।